पाठ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समर्पित है। विद्युत धारा कहां से आती है? पहली नजर में स्वादिष्ट स्पार्कलिंग पानी को स्टोर करने के लिए इस एल्यूमिनियम कैन की आवश्यकता होती है, लेकिन यह हमें धातु की संरचना से निपटने में मदद करेगा। किसी भी सामग्री में सबसे छोटे कण होते हैं, और अभी हम बारीकी से देखेंगे। किसी भी धातु की संरचना एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित कई सौर मंडलों के समान होती है। प्रत्येक व्यक्तिगत सौर मंडल को एक परमाणु कहा जाता है, जिसका केंद्र या नाभिक इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर घूमता है। एक वास्तविक एल्यूमिनियम परमाणु भारी दिखता है, इसीलिए हम इसे सरल बनाते हैं, अधिक सटीक रूप से इसे प्रतिस्थापित करते हैं। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि परमाणु में कम से कम कुछ इलेक्ट्रॉन हो। भौतिकी में यह माना जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक रूप से चार्ज होता है और एक परमाणु का नाभिक सकारात्मक होता है, जो उनके बहुत मजबूत बंधन की व्याख्या करता है। और अब हम केवल परमाणुओं की बाहरी कक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि यहीं पर इलेक्ट्रॉन नाभिक से संपर्क हो सकते हैं। आप धातु संरचनाओं के साथ बाएं और दाएं घूम सकते हैं। पर्यावरण के प्रभाव, उदाहरण के लिए उच्च तापमान के तहत बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन परमाणु के साथ बंधन को तोड़ देते हैं और धातु संरचना में मुक्त गति में चले जाते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं, वे जो परमाणुओं की कक्षाओं में घूमते हैं और वे जो पूरे धातु में घूमते हैं। सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक दिशाओं में चलते हैं, क्योंकि उनके चारों ओर कई अन्य आवेशित कण होते हैं। हम इसे एक स्थिर वोल्टेज स्रोत से जोड़कर धातु में आवेशों के संतुलन को और भी अधिक बिगाड़ देंगे। स्रोत कैसे काम करता है, ये एक अलग पाठ का विषय है। आगे, और अब इस कुंजी से हम अपना इलेक्ट्रिक सर्किट बंद कर देंगे। वोल्टेज स्रोत के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलने लगे। इलेक्ट्रॉनों की इस गति को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों की तीव्र गति के कारण परमाणुओं में सक्रिय कंपन शुरू हो गया और इसलिए धातु गर्म हो जाएगी। चूंकि इलेक्ट्रॉनों की गति यानी हमने वर्तमान ताकत को सीमित नहीं किया है, तो धातु तुरंत पिघल सकती है।